हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेसफुल में। भाई देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कैसे इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन अभी अभी BTUP की तरफ से यानी कि यूराइज पोर्टल पे जाओगे आप लोग तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। एक नया लिंक आया है, आपको किस तरीके से उसमें क्या करना होगा पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, फुल प्रोसेस, ठीक है। और आप सभी को ये सब करना है। अगर आपको 3 टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में चाहिए और 26 तारीख को तो मिल जाएगा। अगर जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो रजिस्ट्रेशन कर लें, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और जो चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है कब क्या हो रहा है, कौन सी वीडियो कब आएगी, ठीक है। देखिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहां से आप वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ उनको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। यूराइज टाइप करना होगा, पहले ही बता चुका हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो आप स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं इस पे बेटा क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सॉरी बैक जाओ, स्टूडेंट लॉगिन वाले पे आपको क्लिक कर देना होगा, फिर आपका आईडी पासवर्ड डायरेक्ट इस पे लॉगिन हो लेना है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आईडी पासवर्ड डाल लिया, अब आपको लॉगिन वाले बटन पर प्रेस कर देना होगा, ठीक है। पर जैसे ही आप यहां पर, फिर आपके सामने इस तरीके से यानी कि आईडी और पासवर्ड डालते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ये मतलब अपने आप आ रहा है, आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करो फिर आपके सामने ये मतलब खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्या आप प्रश्नोत्तरी विभाग स्तरीय लोगो डिजाइन आदि पोस्टर में भाग लेना चाहेंगे, तो आप अगर अभी नहीं करोगे यस करोगे, तो आप जैसे ही मतलब यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से यस वाले पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर आपके सामने 3 यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। अगर आप मतलब भाग लेना चाह रहे हो तो अगर आप मतलब यस वाले पर क्लिक करोगे, इस वाले पर देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत सोचे कन्फ्यूज होंगे, आपको यस वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपके सामने इस तरीके से 3 ऑप्शन आएंगे, अधिकतम आप 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ 1 में ही पार्टिसिपेट करूंगा। बहुत से बच्चे होंगे कुछ क्यूज में करेंगे, कुछ पोस्टर में करेंगे, कुछ लोगो डिजाइन में करेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा आपकी जो इच्छा हो मैक्सिमम आप 2 में भाग ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा आप क्यूज में भाग लोगे, तो मैं यहाँ पर क्यूज में क्लिक करके और ये सबमिट वाला बटन आपको दिखता होगा, तो आपको सबमिट वाले बटन पर यहां पर क्लिक कर देना होगा इस तरीके से, इस सबमिट वाले बटन पर, ठीक है। तो मैं यहां पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आपका क्या है ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा। आपको सेम इसी तरीके से बच्चों करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करके दिखाता हूं, दिखते रहिए। तो देखिए अभी भी आप जब कॉन्स्टेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, लेकिन अभी भी वो चीज़ यहाँ पर नहीं आई। वो तो 21 तारीख को आएगी लिंक, प्रतियोगिता की लिंक है वो 21 तारीख को आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। समझ में आएंगी सारी बातें, चलिए फिर आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ कर लेना है, हो सकता है ये लिंक हटा दिया जाए तो जल्दी से आप इसको कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको फुल करना है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर आज के इस वीडियोस को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।